अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त है अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह पाक आपके बच्चों को हिफाजत फरमाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इससे और तो कुछ नहीं होता, हमें हौसला अफजाई हो जाती है, हम फिर आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सके ताकि। तो वीडियो को शुरू करते हैं जी। ये खजूर अभी कल काट के आए हैं हम, अभी तक खजूर थोड़े थोड़े बचे हुए हैं क्योंकि ये कच्चे होते हैं, अगर कच्चे काट लें तो ये ख़राब हो जाते हैं। और ये काटन में खजूर हैं, ये बोरी पूरी खजूरों से भरी हुई रखी हुई हैं। और यहाँ पर देखें ये काटन भी, इसमें भी खजूर हैं। ये सारे जो खजूर है काटन में बोरी में, ये पूरा बकरी और गाय खाता है इसको। ये देखें इसमें थोड़ा नरम है, देखें नरम है अभी भी। ऐसे वाला खजूर होता है जो बाद में हम काटते हैं, अगर पहले काट लें तो फिर तो ज़ाय हो जाएगा। अभी इसको इसलिए काटा क्योंकि अभी ये बकरी के खाने के काबिल है, ये बिकेगा तो नहीं लेकिन बकरी खाएगी इसको। ए ते सिंपलच, तुम किधर है भाई? हाँ वो है, अब नज़र आ रहा है। ये भेड़े हैं हमारी, माशाल्लाह खजूर भी इनको डाला है और घास भी इनको डाला है, तो अभी माशाल्लाह ये खा रही हैं। टेनिसी आप रहे प्या लग दी तो ठीक है, हुए ढेर ढीला थोड़ा सुझा पाए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लगाते हैं इसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना खजूरों को खाने वाले, यहाँ पे ये लाइट है, ये जलती है सारी रात, जलती रहती है। तो यहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा आता है, यहाँ से जल के इसके अंदर गिरता है, इसके अंदर फिर यहाँ से जो इसका रास्ता बना हुआ है ऐसे आके नीचे, यहाँ एक हौज है इसके नीचे, ये दराज है इसकी, इसके अंदर गिर जाता है फिर मर जाता है। इसका ये सिस्टम होता है, जो खजूरों को कीड़े वगैरह खाते हैं ना वो यहाँ पे आके मर जाते हैं। अभी तो इसकी वायर ख़राब हो गई है, ये जल गई है देखें, पूरी यहाँ पे पड़ी हुई है, नई नहीं लगाई अभी तक। ये रखा हुआ है एक डंडा खाने के लिए, कभी कभी रतब इसका उठा लेते हैं, ये देखें ये खाने के लिए रखा हुआ है एक डंडा। हाँ जानू क्या कर रहा है अभी? वाह जलवा भी बना दिया है। नहीं बहुत तेज आदमी है तो मैं, माशाल्लाह ये आदमी बहुत काम करता है जी, माशाल्लाह इसके बगैर काम नामुमकिन है यहाँ पे करना। ये बहुत अच्छे दिल का मालिक आदमी है। हैं मैंने बोला तुम खुद माशाल्लाह अच्छा आदमी है। हम किधर अच्छे हैं भाई, अच्छे तो आप हो माशाल्लाह। तुम तो माशाल्लाह इतना अच्छा आदमी हो, तुम्हारे जैसा आदमी कुछ नसीबों को मिलता है भाई। अच्छा अल्लाह तुम्हारा उम्र दराज करे। ये रूम देखें, छोटा छोटा कचरा यहाँ पे मौजूद है अभी कलीन के ऊपर। अभी ये मशीन है कचरा सफा करने वाली, इसको थोड़ा चलाएंगे, देखते हैं क्या करती है, ये साफ भी करती है या नहीं। ये अंदर से हवा लेती है, इधर से ये हवा लेके कचरे को खींच लेती है पैंप के ज़रिए, फिर इस डिब्बे में चला जाता है, ये डिब्बा है। अभी चालू करते हैं इसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये थोड़ा मुझे सार में दर्द था ना, थोड़ा नज़ला हो रहा था, तो मैंने कहा एक अंडा बॉयल कर लेता हूँ, ये खा लूँगा तो इंशाल्लाह नींद भी अच्छी आएगी,
तबीयत भी सही हो जाएगी। ओ जनाब कैसा है? ठीक है, तुम किधर आए? अंधेरे में बैठा हुआ है जैसे जैन बैठा होता है। आ, बकरी का कट का नहीं है।